नमस्कार। गजनी के सुल्तान ने गुजरात को रौंद कर मटियामेट कर दिया, किंतु वह फिर से खड़ा हुआ। उसी गर्वीले गुजरात की कहानी लिखी प्रसिद्ध लेखक ज्ञान भारिल्ल ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास अमृत पुत्र में। उसी उपन्यास की कहानी पर आधारित है आज का यह कथानक। इसे इतिहास समझे तो ठीक, काल्पनिक समझें तो आपकी मर्जी। मेरे लिए तो यह हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक माँ भारती के सतपुत्रों का पावन गुणगान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी अणहिलपुर पाटन के सोलंकी महाराज भीमदेव वृद्ध व रुग्ण हो चुके थे। गुर्जरेश्वर की इस स्थिति का लाभ लेकर दक्षिण में देवगिरी के राजा, मालवा और मारवाड़ के शासक हर क्षण पाटन की बची खुची सत्ता को रौंदने का मौका ताक रहे थे। सच कहा जाए तो पाटन की सत्ता केवल पाटन नगर तक ही सीमित होकर रह गई थी। गुजरात के छोटे बड़े मंडलेश्वर भी गुर्जरेश्वर के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना करने लगे थे। केवल चंद्रावती के बुजुर्ग परमार राजा धारावर्षदेव और वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते धौलका के मंडलेश्वर बाघेला राणा लवण प्रसाद ही अपने हृदय में गुजरात की गरिमा को बचाने की लालसा लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी सन्नद्ध थे। लवण प्रसाद में मानव परख की अद्भुत क्षमता थी। गुजरात को उसका प्राचीन गौरव पुनः प्रदान करवाने हेतु क्षमतावान नौजवान चाहिए, इसलिए उनकी नज़र सदा प्रतिभा खोजती रहती थी। ऐसे में एक दिन उनकी नज़र तीन बालकों पर पड़ी जो पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ की आज्ञा से शिक्षा ग्रहण करने अपने मांडल गांव से राजगुरु कुमार देव के आश्रम की ओर पैदल पैदल बढ़े जा रहे थे। साढ़नी पर बैठे बैठे उनका परिचय पूछा और हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग तो अहिंसक जैन हो, इसलिए जरा संभल कर ही शिक्षा ग्रहण करना। राजगुरु तो तलवार, भाला, मुदगर, पटा ये सब चलाना भी सिखाते हैं, ये मत सीखने लगना भला, पाप लगेगा। एक बच्चे ने जवाब दिया, क्यों पाप क्यों लगेगा भला, शास्त्रों के साथ शस्त्रों का उपयोग सीखने में कैसा पाप। आज की परिस्थितियों में तो यह बहुत जरूरी है, देख नहीं रहे हो गुजरात की हालत। बच्चों के उत्तर से आंतरिक प्रसन्न लवण प्रसाद ने बच्चों को थोड़ा और खिजाया। बोले, गुजरात तो ठीक है, पर अपने धर्म कर्म का ही तो ध्यान रखना होगा ना भला। वह बालक गंभीरता से बोला, हमारी माँ ने तो हमें यही सिखाया है कि अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है, उसके लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो उचित है। लवण प्रसाद ने बच्चों को कहा, घोड़ों पर बैठ जाओ, लेकिन उन स्वाभिमानी बालकों ने इसके लिए इनकार कर दिया। प्रसन्न मन राणा ने आगे जाकर राजगुरु को उन प्रतापी बच्चों के आगमन का समाचार दिया और उनका ध्यान रखने का आग्रह भी कर दिया। जिस बालक से चर्चा हुई उसका नाम था वस्तुपाल, छोटे का नाम तेजपाल और बड़े का नाम मल्लदेव। इन बच्चों ने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा ग्रहण की। उनकी प्रतिभा से राजगुरु भी चमत्कृत हुए। गुरुग्रह में राजगुरु के पुत्र सोमेश्वर और एक अद्भुत फुर्तीले सहपाठी कीर्तिदेव से इन तीनों बच्चों की मित्रता भी परवान चढ़ी। कीर्तिदेव में मंदिरों की तरह छलांग लगाने और दीवालों पर चढ़ जाने का भी अद्भुत कौशल था। समय समय पर लवण प्रसाद भी आकर बच्चों की प्रगति की जानकारी ले जाया करते थे। एक नज़र उन बच्चों पर उन्होंने रखी। एक अप्रिय प्रसंग हुआ। तीनों बच्चों में जो सबसे बड़े थे मल्लदेव, वे अचानक गंभीर रुग्ण हो गए। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि उनकी बड़ी साध थी कि आबू पर्वत पर एक विशाल जिनालय बनाया जाए, लेकिन जैसी प्रभु इच्छा। दोनों भाइयों ने मन ही मन उनकी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प लिया और मल्लदेव ने संसार से विदा ले ली। शिक्षा पूर्ण हुई तो राजगुरु कुमार देव ने
दोनों बच्चों को विदा देते समय कहा, मेरे पास जो कुछ था वह सब मैं तुम्हें दे चुका, शेष सब अपने पुरुषार्थ से पा लेना। अगर गुजरात के हित में तुम्हारी देह भी खंड खंड होकर बिखरती हो तो संकोच मत करना, यही है तुम्हारी गुरुदक्षिणा। उसके बाद ये तरुण अपनी माँ के पास मांडल गांव पहुंचकर छोटा मोटा व्यापार करने लगे। सुयोग्य और मेधावी थे, अतः व्यापार बढ़ने भी लगा। शीघ्र ही बड़े भाई वस्तुपाल का विवाह ललिता देवी से हो गया, जबकि चंद्रावती के एक संपन्न श्रेष्ठी धरणी शाह ने अपनी पुत्री अनुपमा का विवाह छोटे तेजपाल से कर दिया। दिन मजे में गुजरने लगे, लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्हें तो गुजरात की सौभाग्य गाथा लिखनी थी, लेकिन माँ के भाग्य में उनका यह उत्कर्ष देखना नहीं लिखा था। वे जल्द ही स्वर्ग सिधार गईं। माँ के देहांत के बाद वस्तुपाल और तेजपाल दोनों भाई भी मांडल के स्थान पर धौलका में रहकर व्यापार करने लगे। उन दिनों धौलका के राणा लवण प्रसाद का अधिकांश समय राजधानी पाटन में ही गुजरने लगा था, अतः उन्होंने धौलका का दायित्व अपने बेटे वीर धवल को सौंप रखा था। कच्ची उम्र के वीर धवल को राजनीति की उतनी समझ नहीं थी। उसका लाभ उठाकर उनकी पत्नी का भाई संग्राम सिंह वहां आकर रहने लगा तथा एक प्रकार से राज्य की सारी शक्ति ही उसके हाथ में आ गई। रानी को उस पर इतना विश्वास था कि उनकी रत्न मंजूषा भी उसके पास ही रहा करती थी। उसके तो पौ बारह थे, वह बेरोक टोक प्रजा को लूट खसोट कर सारी संपत्ति अपने राज्य वनथली भेजता रहा। इसी दौरान रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो जनता को लूटने का और एक बहाना संग्राम सिंह को मिल गया। बहनोई वीर धवल एक दिन पिता से मिलने पाटन गए, तभी उसने नगर के सभी व्यापारियों को संदेश भेजा कि राजा के घर कुमार का जन्म हुआ है, सभी लोग उपस्थित होकर कुंवर पछेड़ा भेंट करें। भेंट तो नाम था, यह तो उगाही थी, लूट का तरीका था। संग्राम सिंह मसनद पर बैठा हुआ था और उसका कारिंदा उपस्थित एक एक सेठ से पूछ रहा था, कितनी राशि देने वाले हो, नए राणा को भेंट देनी है। मरते क्या ना करते वे लोग कोई राशि बताते और उसे कम बताकर कारिंदा मनमाना उनसे वसूल करता। मरता क्या ना करता कुड़ते हुए सब लोग मांग पूरी करते जा रहे थे। व्यापार तो नगर में अब वस्तुपाल भी कर रहे थे, अतः वे भी वहाँ उपस्थित थे। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया उन्होंने दो टूक इनकार कर दिया। बोले, यह तो सरासर लूट है और मैं लूटने को कतई तैयार नहीं हूँ। मामा की त्योरियाँ चढ़ गईं, गरज कर बोला, इस छोकरे को मेरे पास भेजो। वस्तुपाल यह सुनते ही सीना तान कर खुद ही उसके सामने जाकर खड़े हो गए। लोगों ने रोका भी कि व्यर्थ विवाद मत करो, दे दो जो मांगा जा रहा है। किंतु शांत किंतु निर्भीक भाव से वस्तुपाल संग्राम सिंह की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। संग्राम सिंह गरज कर बोला, तेरी इतनी मजाल कि मेरी हुक्म अधूरी करे, तुझे धौलके में रहना है या नहीं? वस्तुपाल ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, यह तू तड़ाक की भाषा तो चोर लुटेरे बोलते हैं, कोई भला इंसान तो बोल नहीं सकता, और मैं किसी लुटेरे को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। संग्राम सिंह ने गुस्से में तलवार म्यान से निकाली और प्रहार करने आगे बढ़ा। उपस्थित लोग थरथर कांपने लगे, कुछ तो वहां से पलायन भी कर गए, लेकिन वस्तुपाल पीछे हटने के स्थान पर आगे बढ़े और संग्राम सिंह की कलाई पकड़कर बेदर्दी से मरोड़ दी। दर्द से छटपटाते संग्राम के हाथ से तलवार छूटकर नीचे जा गिरी। वस्तुपाल ने उसे उठाया और अपने घुटने पर मारकर तलवार के दो टुकड़े कर सड़क पर फेंक दिया। संग्राम सिंह को समझ में आ गया कि उसके धोलके में दिन पूरे हो गए, बात बढ़ गई है और निश्चय ही राणा लवण प्रसाद तक भी पहुंचेगी और वे मुझे बख्शेंगे नहीं। उसी रात वह धौलके से अपने राज्य बनथली भाग गया।
लेकिन जाते जाते वह अपनी बहन अर्थात रानी जैतल देवी की रत्न मंजूषा भी अपने साथ ले गया। जैतल देवी ने इस पूरी घटना की जानकारी एक हरकारे के माध्यम से पाटन भेजी। जिस समय संदेश वाहक पाटन पहुंचा, उस समय राणा लवण प्रसाद राणा वीरधवल दोनों राजगुरु कुमार देव के साथ थे। जैसे ही पूरी घटना की सूचना मिली, वस्तुपाल के कारनामे की खबर मिली, वीर धवल की त्योरियाँ चढ़ गईं। मेरे रिश्तेदार का अपमान करने वाला ऐसा कौन आ गया मेरे राज्य में? किंतु लवण प्रसाद और राजगुरु तो पृथक से गुपचुप चर्चा में तल्लीन थे। उधर धोलका में भी जनचर्चा थी कि राणा अवश्य वस्तुपाल पर क्रुद्ध होंगे, अब वस्तुपाल की खैर नहीं है। ऐसे में जब वस्तुपाल को बुलाने राजसेवक उनके द्वार पर पहुंचा, तो सबने यही माना कि बेचारे नौजवान जैन व्यापारी का अब भगवान ही मालिक है। लेकिन दोनों भाई निस्संक भाव से दोनों राणाओं के सम्मुख पहुँचे। राणा लवण प्रसाद ने कहा, तुम दोनों को दंड झेलना ही होगा, और दंड स्वरूप वस्तुपाल तुम गुजरात के महामात्य और तेजपाल गुजरात के सेनापति, यह दायित्व तो तुम्हें संभालना होगा। न केवल वस्तुपाल और तेजपाल बल्कि स्वयं राणा वीर धवल भी यह अनोखा दंड सुनकर चौंक पड़े। उधर राणा कह रहे थे, यदि राजा प्रजा के साथ अन्याय करे तो उस मदांत सत्ता को चुनौती देना कर्तव्य हो जाता है। तुमने संग्राम सिंह को सही सबक सिखाया, देश के प्रत्येक सपूत को मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को प्रमुखता देनी चाहिए। वस्तुपाल ने कहा, राणा जी, इतने महत्वपूर्ण निर्णय इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। आखिर यह गुजरात के भविष्य का प्रश्न है, हम लोग इस दायित्व के योग्य हैं भी या नहीं, इस पर पूरा विचार कर लेते तो उचित होता। लवण प्रसाद हंसकर बोले, कई वर्ष बीत चुके तुम दोनों भाइयों को देखते परखते, जिस दिन तुम लोग गुरु कुमार देव के आश्रम में प्रविष्ट हुए थे, तब से लेकर आज दिनांक तक तुम पर नजर रही है, और अब इसे मेरा आग्रह नहीं गुजरात का आग्रह मानकर स्वीकार करो या ठुकरा कर निजी जीवन जियो, यह तुम्हें विचार करना है। वस्तुपाल ने शांत भाव से कहा, राणा जी, केवल पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन देश की सेवा का सुअवसर हर एक को नहीं मिलता। मेरे मत में देश की सेवा का अर्थ है दुर्जनों को दंड और सज्जनों की सहायता, धन संपन्न कोष के साथ प्रजा का भी हित चिंतन। क्या मैं आशा करूं कि आप मुझे इस हेतु स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति देंगे? राणा लवण प्रसाद ने अविलंब उत्तर दिया, मैं वचन देता हूं कि अमात्य के रूप में आपके कार्य में कोई अवरोध नहीं डाला जाएगा। और उसके बाद वस्तुपाल महामात्य, तेजपाल सेनापति और राजगुरु के पुत्र सोमेश्वर नए राजगुरु नियुक्त हुए। लेकिन 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 राणा लवण प्रसाद यह क्या कह रहे हैं? वे हंसकर बोले, आप लोग गुजरात के महामात्य सेनापति तो बन गए, लेकिन वस्तु स्थिति भी समझ लो। कमजोर मानकर अधीनस्थ मंडलेश्वरों ने कर देना बंद कर दिया है, अतः राज्य का कोष खाली है। राज्य के सैनिक लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण अपने अपने घरों को लौट गए हैं, और आज स्थिति यह है कि सेना के नाम पर केवल दो सैनिक हैं, एक तो राणा लवण प्रसाद खुद और दूसरा राणा वीर धवल। वस्तुपाल और तेजपाल ने भी उसी हंसमुख लहजे में जवाब दिया, अब यह आपकी नहीं हमारी समस्या है। आज का यह अंक तो महज प्रस्तावना है, अगले अंकों में आप देखेंगे कि इस नए समीकरण ने कैसे गुजरात को एकजुट कर ऐसी महाशक्ति बनाया जिसने दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान की पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया, नरमुंडों का पहाड़ बना दिया। देखते रहिए अगले अंकों में। नमस्कार।